पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मेरी बात सुन, तू फिर से अपनी वही गलती दोहरा रहा है यार। तू मयंक जैसे इंसान पे विश्वास कर रहा है, आराधना से ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा। ये कर करके तो झूठा स्टेटमेंट लिया है तेरे दोस्त ने। चल कर आई थी होटल रूम में मेरे पास, मर रही थी मुझसे मिलने के लिए। औरत जब झूठ बोलने की बारी आई ना, किसी भी हद तक जा सकती है। रे कम ऑन यार, आर यू सीरियस? हां सो मैं आदमी को जानता ही कितना, लेकिन औरतों की फितरत जानता हूं। कम ऑन ब्रो, यू एंड आई बोथ। हां 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 आई नो। बस साले तुझे यही सुनना है ना, हमेशा तेरी हर गलतियों के लिए तू अपने मॉम डैड के रिश्ते को ही ब्लेम किया है, यही है ना? तेरी लाइफ की लगी पड़ी है ना भाई। किसकी लाइफ की नहीं लगी पड़ी यहां पे, बोल ना। तुझे क्या लगता है मेरी लाइफ सही है? तू अपने अंदर के जहर को अपनी लाइफ में घुलने दे रहा है भाई, और तू आराधना की भी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। ब्रो तू जानता नहीं है, वो बहुत परेशान है, उसकी लाइफ पूरी उलट गई है। क्या? उसके पेरेंट्स ने उसे घर से बाहर निकाल दिया यार। शी हैज लॉस्ट एवरीथिंग, और तू यार सरकाज़म मार रहा है। देख विक्रम, आई डोंट नो, आई डोंट केयर ब्रो। ठीक है ब्रो, यू डोंट केयर ना, तू सही है भाई। तू ना एक काम कर, अपने लाइफ में ना तू बस कुड़ते रहे भाई, बट मैं पीछे नहीं हटूंगा रे। मैं आराधना को जस्टिस दिलवा के ही रहूंगा, और पता है क्यों? क्योंकि उसके बहुत एहसान है मुझ पे। बाय। शादी, ये है तुम्हारी माँ, असली माँ? मैं तेरी माँ नहीं बन सकती, मैं तुझे तेरी माँ के हाथों सौंप रही हूँ। कौन माँ, कौन है ये? माँ जैसा शब्द किसी के नाम के आगे यूं ही तो नहीं लगा सकती ना। मेरी प्यारी भक्ति, कैसी हो? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होगा। तुम्हारा दिया लेटर मिला, और वो फोटो भी, पर आगे से मत भेजना। मेरे लिए बस इतना ही जानना काफी है कि वो तुम्हारे साथ है और खुश है। ये कुछ रुपए भेज रही हूँ, किसी और चीज की जरूरत हो तो इसी नंबर पे ओशियन बेकरी में मैसेज कर देना। भक्ति, हमारी दोस्ती के खातिर तुमने जो कुछ भी किया मैं शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से है। वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, पर फिर भी अगर कोई काम आ सकूँ तो बता देना। तुम्हारी मिम्मी। ये है मेरा वजूद, मेरी औकात, इसी पे तोला है मुझे। राधी, अंकल आंटी ने तुझे बहुत प्यार दिया है। उन्होंने तो हमेशा मुझे सराखों पर बिठा के रखा, अरे कौन है ये पूजा? मैं नहीं चाहती इन्हें जानना। आई डोंट केयर, जैसे इन्होंने मुझे बुला दिया ना, वैसे मेरे लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती। आई डोंट वांट टू नो, ये मेरी माँ नहीं है, ये कुछ नहीं है। रेयांश दुबे ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि उसने ये वीडियो लीक किया था। ही स्टोल इट फ्रॉम सुनैना'स डेस्क एंड उसने ये पूरी गलती मान ली है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना है कि तुम अपने पोस्ट पर वापस आ सकते हो, पर आप नहीं चाहते कि मैं वापस आऊं। तेरा बाप चाहता है कि तू जो अपना अंदर से जला रहा है ना, उस आग को कम कर। मैं तो होटल बिजनेस में था, ये सब तेरे लिए है क्योंकि तुझमें वो फितूर था, पर तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है।
रिपोर्टिंग नहीं, क्योंकि उसमें तेरी काबिलियत का मुकाबला नहीं, पर तुझे जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखना है। तू अपने ही आक्रोश में कहीं खो गया है। You're lost, my son. शायद मैं और तेरी माँ तुझे समझा नहीं सके। रिश्तों का एक बैलेंस होता है, गुस्से में कई बातें वापस नहीं ली जा सकती। प्यार एक सीधी लकीर नहीं होती और बहुत कुछ सीखना है तुझे, पर मैं तुझे सिखा नहीं पाया। घर से निकाल दो डर। ओए मेरे जिगर के टुकड़े, तू तो मेरे दिल में रहता है यार, पर तुझे खुद से सुलह करनी पड़ेगी। जब तू खुद से सुलह कर लेगा ना, दुनिया से सुलह कर लेगा। ठीक है, मयंक के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए तुझे बुलाया है। विक्रम वहीं पे होगा, लेट्स गो। देवती से बात हुई? नहीं यार, पता नहीं उसको इतने सारे मैसेजेस थोड़े, उसको कॉल किए पर गायब ही हो गई है वो। उसके भाई को ना उसकी बदनामी का बहुत डर था। मुझे अब ऐसे देवती से बात करे बिना, उसे बताए बिना मैं कैसे उसका राज खोल दूँ? राधी, मयंक ने तेरे साथ जो कुछ भी किया, जिस तरीके से उसने रियांश को तेरे खिलाफ भड़काया, तू बस अपना सोच और चल पुलिस स्टेशन अपना स्टेटमेंट देने के लिए। एक मिनट, विक्रम का कॉल है। हाँ हेलो। पूजा सुनो मेरी बात, आराधना को कहना कि पुलिस रेवती का नाम प्रोटेक्ट करेगी, पर उसे अपनी कहानी कहने का मौका नहीं खोना है। ओके ठीक है, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। ओके बाय। हेलो बसंत पुलिस स्टेशन। ये आदमी उस लड़की को बहुत टाइम से ब्लैकमेल कर रहा था, उसके भाई ने मुझसे हेल्प मांगी। वो मेरी छोटी बहन है, वो शायद बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। मैं बात करूंगी तुम्हारी बहन से, शी इज अ कोरियोग्राफर राइट। मयंक का कॉल आया था और उसने मुझे होटल ग्रीन पार्क में बुलाया है। मैं जाऊंगी। सर ये है पूरा सच। देखिए जो भी आपने कहा उसका कोई सबूत है? क्योंकि बिना सबूत के या फिर बिना लड़की के बयान के हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। सर पर मयंक ने तो कन्फेशन दे दिया है ना। पलट गया मैम, बयान पलट दिया उसने, और करेगा ही। आपको हमें कोई प्रूफ देना होगा, कोई फोटो मैसेज। तो इसका मतलब इसे बेल मिल जाएगी? आराधना लेट मी हैंडल दिस। एक्सक्यूज मी। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहलेंगे हम। पता है कुछ भी कर लो, तुम मेरे अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकती। राधी मैं तुम कितने घटिया इंसान हो ये तो सब जानते, तुम्हारी बीवी भी, लेकिन तुम्हारा ये चेहरा मैं पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती ताकि दोबारा किसी लड़की की जिंदगी। कितनी झूठी हो यार तुम, अपने बॉयफ्रेंड को मतलब अपने बॉस को मतलब बॉयफ्रेंड बॉस को उसको यकीन दिलाने के लिए तुमने उसे ये कहा कि तुम रेवती को बचाने के लिए मेरे रूम में आई थी समाज सेविका बनकर, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने नहीं। तुम मेरे एक्स नहीं हो, मैं तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम है, तुम्हें कभी ना समझ में नहीं आता। तुम्हें ना कहना नहीं आता रियांश को, उसके साथ तुमने जो किया, फोटोज वीडियो देखा मैंने, बाय द वे मजा आ रहा है। तुम बचोगे नहीं, तुम बचोगी नहीं। एक्चुअली राधी तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है, तुम खत्म हो चुकी हो यार। हाँ शायद इस बार रियांश को यकीन हो जाए कि तुम सही हो, इस बार उसे यकीन हो जाए कि तुम्हारा और मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है, इस बार चलो ये भी हो जाए कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे भरोसा कर लें, इस बार सब कुछ सही हो जाए, चलो मान लेते। लेकिन अगली बार क्या, तो क्या तुम पर भरोसा ही नहीं करता है? एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और वो तुम्हारी दुनिया में आग लगा देगा। तुम्हें लगा था ना, सच बताओ, कि रियांश सबके सामने तुम्हारे पेरेंट्स के सामने ये बोलेगा कि मेरी राधी आराधना ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, मैंने तो गुस्से में किया जो भी किया, मीटू भी नहीं करना था, जो भी किया गुस्से में किया, तुम्हें लगा था ना वो ऐसा बोलेगा? लेकिन देखो, और अगर मान लो तुमने ये साबित कर भी दिया कि तुम सही हो और तुम सच बोल रही हो, उससे क्या होगा? इस बार वो तुम पर यकीन कर लेगा, लेकिन अगली बार क्या, फिर किसी बात पर तुम पे शक करेगा, उसका मिजाज ही यही है। औरतों पे शक करना कितना जहर है पता है उसके अंदर औरतों के लिए? वो क्या है ना, कान का कच्चा है ना, लेकिन अफसोस होता है मुझे ये बात सोचकर कि तुम इस जन्म में उसके अंदर का जहर निकाल नहीं पाओगी, ट्राई करके देख लो। मैं ना किसी की जिंदगी नहीं सुधारना चाहती मयंक, उसका जहर उसे मुबारक और तुम्हारा तुम्हें, और मेरी जिंदगी में जो उबाल आया है
मैं जानती हूँ कुछ भी करके वो नॉर्मल नहीं हो सकता. आई नो दैट. ये बात तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें.